पीएम मोदी और मेलोनी जी जो है इटालियन, वो तो वैसे ही बड़ी फेमस है, वो तो वैसे ही पीएम मोदी की बहुत बहुत बड़ी फैन है। वो हैशटैग करके अपनी पिक्चर्स को पीएम मोदी के साथ सेल्फी के साथ वो मतलब अपलोड करती है, हैशटैग यूज करती है ताकि मैं वायरल हो जाऊं पीएम मोदी के जरिए। तो वो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे आम है। लेकिन अब हमने देखा कि जो कुछ दिन पहले उनकी एक मीटिंग हुई, उसके बाद आज एक बड़ी न्यूज आती है कि उनका कहना है कि चाइना का जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट इटली के साथ था वो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हम चाइना को ऑफिशियली लीव करते हैं और ऑफिशियली इंडिया के साथ वो स्टैंड करते हैं और इंडिया के साथ वो इहला करते हैं कुछ चीजों पे। और दूसरी जानिब इंडिया का जो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है वो कॉरिडोर से मुतल्लिक मिडिल ईस्ट का, तो वो भी बहुत ज्यादा हमें नजर आ रहा है। क्या वजूहत है मैम कि इटालियन पीएम ने वो स्टेटमेंट दी और कहा कि भाई हम चाइना को लीव करते हैं ऑफिशियली? क्यों, क्या वजूहात हो गई जिसकी वजह से उन्होंने इतना बड़ा प्रोजेक्ट छोड़ दिया? और मोदी जी के फैन है भाई, क्यों? मेलोनी अपने आप में ही हमेशा एक बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत रेनाउंड और रिकॉग्नाइज्ड और एम्पावर वुमेन रही है हमेशा से। उनके इतिहास के पन्नों को अगर खोला जाए तो काफी कम उम्र से उन्होंने पॉलिटिक्स के मैदान में अपना पैर रखा है और पैर जमाया है और अपना सिक्का चलाया है। बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग वुमेन की का अगर उदाहरण दिया जाए इस वर्ल्ड लीडरशिप में तो मेलोनी का नाम आ जाता है, बिल्कुल आ जाता है। और क्योंकि भारत की नारियां भी बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, भारत की नारियां भी, हम लोग अपने आप को माँ दुर्गा और माँ काली का स्वरूप हम लोगों को समझा जाता है। तो भारत और इटली का कॉम्बिनेशन बहुत खूबसूरत नजर आ रहा है, बिल्कुल नजर आ रहा है। जितनी ज्यादा पॉपुलैरिटी और लोग सुनना और देखना मेलोनी जी को पसंद करते हैं, उतना ही ज्यादा भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदरदास मोदी जी को भी लोग सुनना देखना पसंद करते हैं। जिस तरह से मेलोनी जी वर्ल्ड लेवल में एक बहुत ही रेनाउंड लीडर के हिसाब से मानी जाती है, उसी तरीके से ये पूरी दुनिया, ये पूरा वर्ल्ड हमारे भारत के प्रधानमंत्री को बहुत ही प्रिय और बहुत ही रेनाउंड वर्ल्ड लीडर के हिसाब से देखा जाता है। जाहिर सी बात है कि जब दो बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर आपस में मिलते हैं तो बहुत सारी ट्रेड और बायलैटरल रिलेशंस पर बातचीत होती है और बहुत ही अच्छी बातचीत होती है। और दो देशों के साथ साथ G7 में जुड़ रहे और G20 में जुड़ रहे हर एक देशों की उन्नति के बारे में बात होती है। वन फैमिली वन अर्थ का जो नारा हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदरदास मोदी जी ने बनाया है वो वाकई में अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है कि वो पूरे अर्थ को एक फैमिली स्वरूप देखना चाहते हैं और किसी भी टेररिस्ट और टेररिज्म एक्टिविटीज और ऑर्गेनाइजेशन को खत्म करने के लिए अगर ये G7 और G20 के जो कॉम्बिनेशन है, अगर ये सब एक साथ खड़े हो जाते हैं तो पूरी दुनिया से हम टेररिस्ट और टेररिज्म और आतंकवाद को मिटा सकते हैं। और जिस दिन आतंकवाद मिट जाता है दुनिया से, उस दिन दुनिया तरक्की करेगी और हर देश अपने देशवासियों के लिए अपने देश को तरक्की याफ्ता ही देखना चाहता है। अब बात आती है कि जाहिर सी बात है कि जब चाइना का GDP फॉल करता है, जब चाइना का बायलैटरल रिलेशन डैमेज होता है, जब चाइना के खजाने में और खजांची के पास पैसे की कमी आती है तो पाकिस्तान को हार्ट अटैक आने ही लगता है। ये बात सच है क्योंकि आपका आका है चाइना। चाइना इस्लाम को कितना ही रौंद डाले तब आपकी जुबान नहीं खुलती है। लेकिन मेलोनी जी ने अगर BRI का जो मेमोरेंडम था उसको कैंसिल कर दिया और ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दिया तो हर पाकिस्तानी के जुबान से ये न्यूज और ये बातें निकलनी बहुत जरूरी है। क्योंकि होता क्या है ना कि जब हम अपने माँ बाप के ऊपर होते हैं तो हमारे माँ बाप की तरक्की के लिए हम बहुत दुआएं करते हैं। तो उसी तरीके से पाकिस्तान पूरा का पूरा निर्भर अब इस सिनारियो में, इस सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ चाइना पर कर रहा है। क्योंकि कभी अमेरिका आपके बहुत क्लोज था, कभी UAE आपके बहुत क्लोज था, कभी मुस्लिम कंट्रीज आपके बहुत क्लोज थी और आप इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा साउंड थे और बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे। अभी क्या हो गया है कि पिछले 7-8 सालों में आप लोग इकोनॉमिकल क्राइसिस से जूझ रहे हैं और जो भी आपके पाकिस्तान की सरकार में जो खजाने में जो भी थोड़ा बहुत पैसा रुपया 98-54 है वो सिर्फ और सिर्फ आपके चाइना आका की वजह से है। अब ये पूरी दुनिया जानती है कि BRI क्या है, बेल्ट एंड रोड प्लान है, जिसमें बिल्कुल इटली की एक अहम भूमिका थी, और BRI इज अ सॉफ्ट लोन स्कीम जिसमें इटली की एक अहम भूमिका हमेशा से रही है। इटली की GDP 8 नंबर पर है पूरी दुनिया में, 10 लार्जेस्ट नंबर पर डिफेंस में है, जो आर्मी के चीजों को जो एक्सपोर्ट किया जाता है उस पर 10वें नंबर पर है। हालांकि पॉपुलेशन की कमी है, 5.9 करोड़ है, लेकिन पॉपुलेशन की कमी होने के बावजूद भी इटली लोग प्रिफर करते हैं, कंफर्ट होते हैं इटली को चूज करने में, चाहे वो शिक्षा के तौर पर देखा जाए, चाहे वो बायलैटरल रिलेशन के तौर पर देखा जाए, चाहे वो वेकेशन के तौर पर टूरिस्ट के नजरिए से देखा जाए। तो कहीं ना कहीं इटली बहुत साउंड करता है फिनेंशियली, और डिफेंस में इतना स्ट्रांग है इटली कि जिसके नीचे कनाडा आ जाता है, ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, ईरान आ जाता है, ये सारे देश जो जिसके नाम हम हर वक्त सुनते हैं वो सब इटली से नीचे आता है। और जिस तरह से मेलोनी जी ने पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ही ब्यूटीफुल बनाया है, बहुत ही क्विंटेसेंशियल एग्जाम्पल बनाया है पूरे वर्ल्ड में, वो अपने आप में एक बहुत ही महत्व रखता है। इटली एक बहुत अहम भूमिका निभा रहा है पूरी दुनिया के तरक्की के लिए, जो एक स्लोगन हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने बनाया है वन अर्थ वन फैमिली के लिए, तो उसमें एक बहुत अहम भूमिका निभा रहा है। इटली कहीं ना कहीं G20 में भी आता है और ग्रुप ऑफ 7 G7 में भी आता है, एक पार्ट आ रहा है और बहुत अहम भूमिका निभा रहा है। अब फिलीपीन जो है वो पार्ट नहीं रहा है BRI का, एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आ चुका है। और एक सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि G20 की समिट जो 8, 9 और 10 सितंबर में भारत में हुई थी, जहां पर आईमैक कॉरिडोर की बात हुई थी, और जितने भी आतंकवादी माइंडेड देश हैं और जितने भी टेररिस्ट और टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन वाले देश हैं उनको जुराब तो आ चुका है, उनको मलेरिया और टाइफाइड तो हो चुका है, एक माइनर हार्ट अटैक भी आ चुका है, क्योंकि वो इस तरीके से देख रहे हैं कि ये आईमैक कॉरिडोर में जिस हिसाब से UAE, इटली, अमेरिका, ये सारे लोग आपस में मिल चुके हैं, वो भारत को ग्लोबल पावर देने की बात हो रही है। भारत को ग्लोबल पावर में आने वाले वक्त में हम बिल्कुल जरूर देखेंगे इंशाअल्लाह रहमान। तो जैसे ही भारत ग्लोबल पावर में आएगा तो हमारे जेम्स बॉन्ड जो अजीत डोभाल जी और डॉक्टर एस जयशंकर जी और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदरदास मोदी जी अपने हर एक स्टेटमेंट में, चाहे वो एक राज्य के अंदर स्पीच हो, चाहे वो G7 की स्पीच हो, चाहे वो G20 की स्पीच हो, चाहे वो इंडोनेशिया का दौरा हो हमारे भारत के प्रधानमंत्री का, चाहे वो अमेरिका का दौरा हो, चाहे वो UAE का दौरा हो, वो इस बात को जरूर रखते हैं कि जब तक टेररिस्ट और आतंकवाद माइंड खत्म नहीं होगा तब तक एक अर्थ एक फैमिली का पूरा कार्य और कर्तव्य पूरा नहीं होगा। क्योंकि होता क्या है कि देखिए, अमेरिका में जब ट्विन टावर में ओसामा बिन लादेन ने जब टेररिज्म एक्टिविटीज की थी तो अमेरिका की GDP फॉल की थी, अमेरिका का जो रिलेशन था वो कहीं ना कहीं बाकी देशों के साथ हिल गया था। जैसे हमारे भारत में कांग्रेस के जमाने में अजमल खसब अटैक हुआ, फिर उसके बाद फिर 93 बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, उसके बाद फिर पार्लियामेंट अटैक हुआ, फिर जम्मू कश्मीर का 1990 के दशक को अगर देखा जाए तो बेनजीर भुट्टो के कहने पर यासिन मलिक ने बहुत बहुत गलत किया, जम्मू कश्मीर के पंडित आज भी झेल रहे हैं। अब जाकर के 2023 में अमित शाह जी ने POK पर तो 24 सीटें ही हमने ऐलान कर दी, रिजर्वेशन दे दिया है। तो अभी क्या है ना कि हमारे शब्दों से हमारे पावर का पता चलता है। मैं कितनी अच्छी वकील हूं ये जब मैं लीगल कंटेंट पर जब मैं बात करती हूं और जितने आर्टिकल्स मैं बोलती हूं और जितने सेक्शंस में बताती हूं वो दर्शाता है कि मैं सही अच्छी वकील हूं कि नहीं हूं, और जो जजमेंट्स में अटैच करती हूं। तो उसी तरीके से एक वर्ल्ड लीडर जब खड़ा होता है तो उसके शब्दों से पता चलता है कि वो कितना पावरफुल है और कितना पावरफुल नहीं है। तो जिस तरह से हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने इतने पावरफुल अंदाज में 24 सीटें POK के लिए बताया है, विधानसभा के लिए, वो दर्शा रहा है कि हमें हमने पीओके को अपना अखंड भारत में ज्वाइन कर लिया है। तो उसी तरीके से जब 8, 9 और 10 सितंबर में G20 की समिट हो रही थी, G20 को अटेंड करने के लिए वर्ल्ड के महत्वपूर्ण और वैल्यूबल और इम्पोर्टेंट लीडर्स आकर के बैठे थे अलग अलग देशों से। और जब आईमैक कॉरिडोर की बात हुई थी तो वहां पर मेलोनी जी, यूएई के क्राउन प्रिंस, उसके बाद फिर जो बाइडन जी और हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने जो मेमोरेंडम एमओयू के पर बातचीत हुई है, वो आने वाले वक्त में भारत को ग्लोबल पावर देने की बात बिल्कुल साफ और ट्रांसपेरेंट समझ में आ रही है इस आईमैक कॉरिडोर के तहत। अब जाहिर सी बात है पाकिस्तान को प्रॉब्लम होगा, क्योंकि पाकिस्तान में लोगों को शिक्षा से मतलब नहीं है, पाकिस्तान में लोगों को उन्नति से मतलब नहीं है, पाकिस्तान में लोगों को इम्प्रूवमेंट से मतलब नहीं है, पाकिस्तान में लोगों को साइंस से मतलब नहीं है, पाकिस्तान में लोगों को रिस्पेक्ट से मतलब नहीं है, पाकिस्तान में लोगों को ऑप्टिमिज्म से मतलब नहीं है, क्रिटिसिज्म से मतलब है। हर वक्त दिमाग में जिहाद एंटर किया हुआ रहता है, हर वक्त जन्नत में 72 वर्जिन हूरे ढूंढते रहते हैं। तो दिस इज नॉट ओनली पाकिस्तान। आज ईरान की सारे के सारे मस्जिदें खाली हो रही हैं, क्योंकि इतना मेल डोमिनेटेड वो कंट्री बन चुका है कि अब ईरान की महिलाएं रोड पर आ गई हैं कि नहीं, हमने नहीं पहनना हिजाब, तुम हमारे हिजाब और बुर्के को छोड़ करके तुम कुछ और देखो भाई, ईरान की तरक्की देखो, तुम हमारे ऊपर कितनी देर निगाह रखे रहोगे। लेकिन ये जो देश है जो आईमैक कॉरिडोर में आ रहे हैं, जो G7 में आ रहे हैं, जो G20 में आ रहे हैं, ये औरत के हिजाब और चोली और लहंगा पर इनकी नजर नहीं होती है, इनके ऊपर देश की तरक्की की नजर होती है, इनके ऊपर इनके दिमाग में बाइलेटरल और ट्रेड के रिलेशन की नजर होती है, इनके दिमाग में जीडीपी उनका कितना आगे बढ़ रहा है उसकी नजर होती है, इनके दिमाग में हमारा डिफेंस कितना आगे बढ़ रहा है उसकी नजर होती है, इनके दिमाग में हमारी आर्मी कितनी सक्षम है उसकी नजर होती है। तो ये ऐसे ही जो तरक्की याफ्ता दिमाग के लोग होते हैं वो आपस में जब मिलते हैं तो वाकई में एक बहुत खूबसूरत निर्णय भी आता है और उन देशों की तरक्की भी होती है। अभी मैं आपको एक और बात बता सकती हूँ कि जिस हिसाब से मेलोनी जी ने एकदम बज़ाफ्ते स्टेटमेंट दे डाला और ऑफिशियल स्टेटमेंट दे डाला। अभी इस पर मुझे लगता है कि मैं और आप पहला शो कर रहे हैं, इस शो के बाद बहुत सारे शो होंगे। पाकिस्तान की लड़कियां जो हैं वो जा करके पब्लिक रिव्यू भी लेंगी, उसके बाद फिर रोड शो भी होगा ये सुनने देखने के बाद। लेकिन आपकी तरक्की इसमें नहीं है, क्योंकि ये देश ऑलरेडी तरक्की याफ्ता है। जो ग्रुप 7 में आ रहा है ये ऑलरेडी तरक्की की तरफ अपने रडार और फोकस को कर चुका है। ये ऑलरेडी ये G20 में जितने देश आ रहे हैं ये ऑलरेडी अपना फोकस और अपना रडार एकदम स्ट्रेट रखे हैं कि हमें अपने देश को तरक्की देना है। अब बात, लेकिन आप ये कन्फ्रंटेशन और पब्लिक रिव्यू से पाकिस्तान में कोई तरक्की नहीं होने वाली है। अब दूसरी चीज मैं आपको बताऊंगी कि अगर वाकई में मुसलमानों को वेस्टर्न कल्चर से प्रॉब्लम है या हिंदू कल्चर से प्रॉब्लम है तो रहते क्यों हैं आप। मैं उन मुसलमानों को भी बोल रही हूँ जो भारत में रह रहे हैं, जिनको हिंदू कल्चर से प्रॉब्लम है, हिंदुओं के रिचुअल से, उनकी आस्था से, उनकी श्रद्धा से प्रॉब्लम है, या वेस्टर्न कल्चर से प्रॉब्लम है। तो मत जाओ ना आप अमेरिका। आपके यहाँ तो हर तीसरा आदमी बोलता है मैंने तो अमेरिका जाना है। फिर क्यों जाते हो, मत जाओ। आप यूएई जाओ, आप कतर जाओ, आप ईरान जाओ, आप तुर्की जाओ, आप यहाँ जाओ ना। आपको तो बिल्कुल भी वेस्ट की तरफ आपको मूव ही नहीं करना चाहिए और भारत की तरफ आपको मूव ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप तो कड़वाहट उगलोगे, आप भी कंफर्टेबल नहीं हो और यहाँ के लोग भी कंफर्टेबल नहीं है। तो निकल जाओ यहाँ से। लेकिन नहीं, अमेरिका नहीं जाएंगे तो तरक्की कैसे करेंगे, भारत नहीं आएंगे तो तरक्की कैसे करेंगे। आज सारी लड़कियां पाकिस्तान की देखो भाग भाग करके भारत चली आ रही हैं, जो जा रही है वो भी लौट करके आ जा रही है। अभी 5 दिन पहले जावेरिया नाम की खैबर पख्तूनख्वा की भाग चली आई है कि भाई यहाँ के लड़के से शादी करेगी। तो ये चीजें ये दर्शाता है कि आप लोग मुंह खोल कर नहीं बोल पाते हो, पर आपके मन में ये जो सफोकेशन है, जो इस्लाम का सफोकेशन है, वो कहीं ना कहीं आपका दम घुटा रहा है, आपको प्रॉब्लम दे रहा है। चाइना से अमेरिका का बहुत गहरा संबंध पहले भी हुआ था, जब ट्रंप की सरकार अमेरिका में चल रही थी। तो वो, और फिर ट्रंप ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट में कह भी दिया कि उनसे गलती हुई है, उनसे गलती हुई है, तो वह दिखा भी देना। तो जब उन्होंने चाइना से, जैसे ही जो बाइडन साहब आए वैसे ही चाइना से पहले उन्होंने दूरी बनाई, पाकिस्तान से यूएई का बोलो आप या अमेरिका का बोलो, अब तो इटली का भी, तो लगभग सारे देश का पाकिस्तान से भी रिलेशन बिल्कुल भी खत्म हो चुका है। तो अभी ये जो 21वीं सेंचुरी का विजन है, वन अर्थ वन फैमिली का, वो विजन टेररिज्म का नहीं है, वो विजन तरक्की करने का है, वो विजन अपने देश को तरक्की याफ्ता बनाने का है, डिफेंस में स्ट्रांग बनाने का है। एंड दिस इज द बेसिक रीजन कि लोग उन कंट्रीज को बॉयकॉट कर रहे हैं, स्पेशली पाकिस्तान को, जहां लोग बम मारने में और गला रेतने में और खूनी खेल खेलने पर ज्यादा विश्वास करते हैं और बायलैटरल और ट्रेड स्मूथ रिलेशन पर विश्वास नहीं करते। चाइना में भी तो कितनी ज्यादा प्रोडक्ट्स इंडिया की अभी यूज की जा रही है, लेकिन चाइना और पाकिस्तान तो वैसे भी दोस्ती है, लेकिन पाकिस्तान के प्रोडक्ट्स नहीं है इतनी, जहाँ के हिंदुस्तान के प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा है। और अभी देखे ना, शी जिनपिंग को एक धचका तो लगा होगा, भाई इटली ने इतना बड़ा प्रोजेक्ट खत्म करके वो भी इंडिया के साथ चला गया जो कि उसकी टक्कर में ही है, और अमेरिका, वो जो बाइडन उठ के आते हैं और कहते हैं जी मोदी जी तो वो तो शी जिनपिंग मुखला रहे होंगे। हमारे भारत में 9 साल पहले एक प्लास्टिक का बोतल लीजिए या मोबाइल फोन लीजिए, चाइना का ही गोद बिक रहा था। बिल्कुल, मैं इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं करूंगी। मुझे एकदम सच बोलने की जो एक बहुत बुरी बीमारी है ना, जिसकी वजह से मैं काफी मुसलमानों की गालियां भी सुनती हूँ, वाकई में 9 साल पहले एक प्लास्टिक का बॉटल ले लो, मग ले लो, या चाइना के क्रॉकरी सेट्स ले लो, मतलब छोटी से छोटी चीज और बड़ी से बड़ी शॉपिंग भी चाइना के ही बनाए हुए चीजों की हमारे भारत में होती थी। पर जिस तरह से पिछले 9 साल से हमारे भारत में एक ऐसी ब्लेसिंग वाली और भगवान राम के अवतार वाली सरकार आई, वैसे ही जैसे चाइना के प्रोडक्ट को लोगों ने थूक दिया। एक प्लास्टिक का बॉटल भी अब हमारे यहाँ चाइना का नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इवन हम लोग यूज कर रहे हैं दिस काइंड ऑफ बॉटल्स जो हमारे यहाँ भारत की फैक्ट्रीज में बन रहा है, ठीक है। हमारे यहाँ पॉलिथीन अब यूज नहीं होता है, मतलब कैरी बैग जो यूज होता है वो पॉलिथीन नहीं यूज होता है, वो बांस के ठोंगे यूज होते हैं। आप कितना ही सामान ले लो, या तो वो जूट का बैग होता है या बांस का ठोंगा होता है, तो वो भी मेड इन इंडिया होता है, मेड इन भारत होता है, क्योंकि बांस की पैदावार सबसे ज्यादा भारत में है, जूट की पैदावार सबसे ज्यादा भारत में है, जूट का कल्टीवेशन सबसे ज्यादा भारत में होता है, तो बैम्बू का कल्टीवेशन सबसे ज्यादा भारत में होता है, तांत की साड़ियां भारत से सब जगह जाती है। तो हर वो चीज को इम्प्रूव किया गया, खूबसूरत किया गया, और लोग उसमें ज्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। तो अभी क्या हो गया है कि आपके देश का प्रॉब्लम ये है कि मुंह खाता है तो आंख लजाता है, तो आप चाइना का खा रहे हैं, इसलिए आपकी आंख लजा रही है, और वो इस्लाम को भी अपने तलवे से कुचल रहा है, बेहुरमती कर रहा है, बेइज्जती कर रहा है, फिर भी आप आवाज नहीं उठा रहे हैं। अब क्योंकि हमें अपनी सरकार पे 9 साल में इतना ज्यादा विश्वास हो चुका है, और हैशटैग मोदी गारंटी का इतना ज्यादा ट्रस्ट हो चुका है कि हमें किसी की तरफ देखने की जरूरत ही नहीं है। अगर मोदी जी ने एक बात कह दी है तो हम उस पर ब्लाइंड फेथ करने लगे हैं, और ऐसे वो ब्लाइंड फेथ नहीं आया है, 9 साल में उन्होंने अपने कार्य में बताया है, 9 साल में उन्होंने ये विश्वास अपने जनता से जीती है, अपने देशवासियों से जीता है कि उन्होंने जितनी भी बातें मुंह से निकाली है वो उन्होंने करके दिखाया है। तो उसी तरीके से जब मेड इन इंडिया के सामान पर हमारा विश्वास बना, तो अब क्या हो गया है कि अब भारत के प्रधानमंत्री जिस बात को भी बोलते हैं हमारा विश्वास होता है, और वो होता भी है। तो हमें किसी भी देश को देखने की जरूरत ही नहीं है। अब धीरे धीरे इटली बोल लो आप, यूएई बोल लो आप, अमेरिका बोल लो आप, इंडोनेशिया बोल लो आप, कहीं पर भी चाइना के प्रोडक्ट्स नहीं चल रहे हैं, कहीं पर भी नहीं चल रहे हैं, सब जगह इंडिया के प्रोडक्ट्स चल रहे हैं। मेड इन इंडिया हर चीजें, हर जगह मेड इन इंडिया दिखाई दे रही है। तो भारत ने चाइना को बहुत जबरदस्त टक्कर दिया है, और ऐसा आकर खड़ा हुआ है कि 25 साल के बाद, ऑलमोस्ट मोर और लेस, आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक 25 साल के बाद चाइना का जीडीपी ऐसा फॉल किया कि चाइना ने इमीडिएट रातों रात अपने कोर की मीटिंग की और पूछा है कि भाई इसको कैसे दुरुस्त करना पड़ेगा, कैसे ठीक करना पड़ेगा। अभी हमारे भारत में दिवाली हुई थी और दिवाली में सबसे ज्यादा चाइना के प्रोडक्ट्स बिक्री होते थे, वो सब जग की थक रखी रह गई उनके पास और हमारा मेड इन इंडिया का प्रोडक्ट्स बिका और एक मतलब गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड वाला प्रोडक्ट बिका है। बिल्कुल, पटाखे वगैरह भी उधर से आते थे ना। हाँ, वो जो लरियां आती थी लाइट्स की, जो अलग अलग तरीके के दिया और चिराग आते थे, लाइट के डेकोरेशन का जो सामान आता था वो सबका सब चाइना का हुआ करता था और अब सबका सब मेड इन इंडिया का है, सबका सब मेड इन इंडिया का है। गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ है भाई दिया में, जितने दिए जले हैं और वो सबके सब गरीब गरीब कुम्हार ने बनाए हैं, गांव ग्राम के कुम्हारों ने वो मिट्टी का दिया बनाया है और वो बिक्री हुआ है। तो हम अपने मजदूरों के डेवलपमेंट के बारे में सोचेंगे, उनके फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में सोचेंगे, हम चाइना के बारे में क्यों सोचेंगे? और आप सोचो कि इसके लिए कोई अवेयरनेस कैंप नहीं चलाना पड़ा, इसके लिए कोई अवेयरनेस टीम नहीं इकट्ठा करनी पड़ी कि नहीं तुम चाइना का मत लेना, नहीं ऐसा नहीं हुआ, कुछ भी नहीं करना पड़ा। लोग आप रूपये अट्रैक्ट किए कि भाई जब हमारे भारत में सारी चीजें हो रही हैं, हमारे प्रधानमंत्री खुद हमें बना कर दे रहे हैं तो हमको क्या जरूरत है, हमें तो कोई जरूरत नहीं है। तो इसको कहते हैं चेंज, इसको कहते हैं माउथ पब्लिसिटी, इसको कहते हैं ट्रस्ट। बिल्कुल, नो डाउट मैम। और पाकिस्तान में भी इंडिया के प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है, ऑयल वगैरह या फिर बेस वगैरह इस तरह के प्रोडक्ट्स काफी मैं यूज भी करती थी, अब तो खैर बहुत कम हो गई है, लेकिन कहीं ना कहीं से मिल भी जाती है वो ढूंढने के बाद। और अभी भी यकीन इंडिया के प्रोडक्ट्स पे ज्यादा है और मेरा नहीं बल्कि ऑलमोस्ट पाकिस्तानियों का, लड़कियों का जो कि ये मतलब बेस वगैरह यूज करती हैं, तो ऑलमोस्ट बड़ा यकीन है और नो डाउट क्वालिटी में बहुत अच्छी होती है। तो